मैं नहीं। हैं? हल्दी का सो गए हो? हाँ 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 तो खाली कैसो? ऊपर से पानी चू रहा था खू पंताले की आवाज आ रही थी कहाँ से? तो मुझे तो आवाज आ रही थी पानी की। यार ये परेशान है मंटू के मारो। ये देखो बब्बा पुत्ती के लड़ आए 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 कैसे लाड हो रहे हैं भाई। मंटू अंकल के बराबर हो रही बिल्कुल। सारा पी जाइए गरम ना है निवाया पी जा फिर हो रहा खराब सा बना रही जी मैं चाय। अवनी और कायरव जो है वो बोल रहे थे कि मम्मी हमको नहाना है और मैं धो रही थी कपड़े। जी हाँ कई दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे थे वो मैं धो रही थी तो मैं साथ के साथ है ना कपड़े जो है मशीन में सुखा रही थी क्योंकि मौसम एक तरह से धूप भी निकल रही थी और थोड़ी घटा भी हो रही थी। फिर मैंने भाभी से पूछा कैसे करूँ उन्होंने बोला कि मशीन में सुखा के डाल दो बहुत सारे हो रहे हैं जल्दी हवा निकल जाएगी। और ये अवनी बोल रही थी कि मम्मी आप मेरे कपड़े निकाल दो ये ऊपर का टॉप निकाल दो मैं नहा लूँगी। और यहाँ मैं लगी हुई थी कपड़े धोने के लिए मैंने पाइप चला दिया था बच्चे जो हैं वो नहा लेंगे और मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ। और यहाँ पर है मैंने अंदर की साइड में और सारे बगड़ में पहले ही धुल दिया था आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा। और यहाँ पर मैं फटाफट से ना चादर वगैरह रही थी बाकी के मैंने बहुत सारे धुल दिए हैं। और यहीं पर मशीन लगा रखी है इन लोगों ने यहीं पर मैंने सुखा दिए यहीं पर धो लिए कुछ मैंने सामने चेयर पे रखे हुए हैं अभी जो डालने हैं तो भाभी ने छांट दिए थे कि बस पहले कौन से डालने हैं फिर कौन से डालने हैं और मतलब सारों का अलग अलग मैंने बोला था बस आप है ना इतना कर दो ये खड़े खड़े हैं ना थोड़े से कपड़े वो कर दो। तो वो बोली कि नहीं मैं मशीन भी लगा देती हूँ मशीन उन्होंने ही लगाई थी मतलब पानी वानी भर दिया था बाकी फिर कपड़े डालने स्टार्ट कर दिए थे। और फिर एक एक करके मैंने सारे कपड़े धुल दिए फिर मैंने बोला उनको कि आप लेट जाओ नहीं आपको जब काम करने के लिए मना है तो काम मत करो बिल्कुल भी फिर कोई दिक्कत आपको होगी तो अच्छी बात नहीं है मेरे आने का यहाँ काम करने का क्या फ़ायदा। और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि दीदी आप यहाँ पर आ रहे हो थक जाओगे अपने घर में कुछ लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए कि अपने घर में भी काम कर लिया करो यहाँ पर काम कर रही हो इतनी साफ़ सफाई अपने घर में भी कर लिया तो आप है ना मेरा घर देखो और मेरी भाभी का घर देखो तो इस घर में और उस घर में कितना अंतर है। अगर मेरा घर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ भी इतनी सफाई मिलती और मेरा ऐसा घर नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष है मैं क्या करूँ मैं बच्चों का खर्च करूँ घर से ही कराऊँ या घर का राशन पानी का चलाऊँ या बेटी का एडमिशन करवाया है बीमारी है दिक्कत है परेशानी है खाना पीना सब्जी आटा दूध सब चीज़ मेरे पास मोल की है। सारी बात जानते हुए भी आप इस तरह के जब कमेंट्स करते हैं ना कुछ लोग तो मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि आपको मेरी हर सिचुएशन पता है पर मैं क्या करूँ जितना मेरे घर में काम है या मेरे रूम में करती तो हूँ आप लोगों के साथ में शेयर पर कुछ लोगों को है ना बोलना है हर बात में एक नुक निकालना है। और इस कुछ लोगों ने बोला कि इस तरह से लगी हुई है काम करने का तरीका नहीं है अरे किस तरह करते हैं और भाई काम जब घर में इतना काम फैल रहा है तो पहले थोड़ा सा ना आदमी आएगा। हेलो जी राम राम जी कैसे हो आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ बस आप लोगों की दुआ है। और मैं नहा ली नहा के आज मैंने कौन से वाला सूट पहनना है वो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने सूट सिलना दे रखा था टेलर के मैंने बोला था ना कैसा सूट सिलने जा रहे हैं तो इसके नीचे बनवाया मैंने पैंट प्लाजो और काफ़ी लॉन्ग मतलब ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है ज़्यादा मतलब ऊँचा भी नहीं है सूट बनवाया है ये। इसका जो गला है कुछ इस तरह का बाजू जो है वो कुछ इस तरह की होने वाली है इस तरह की है। बैक का मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगी फिलहाल मेरे को काटना है मीठा कद्दू। जी हाँ रोटी बनाने की तैयारी कर लेते हैं देर हो रही है सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो गया था मंटू स्कूल जा रही है सबको नाश्ता करा दिया था अब मैं मीठा कद्दू काट लूँ दोपहर की रोटी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और अभी बजा है 1:30 तो बस इतने मंटू आएगी इतने हम लोग अपना सब्जी कटिंग काट लेते हैं।
लेट रही हमारी भाभी, काट के तो काट के उबाल के बनूंगी। तो अभी जो है यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने छोटे से किचन में और यहाँ मैं काट के लाई हूँ मीठा कद्दू। और मैं मीठे कद्दू को पहले मतलब जो है वैसे ही मतलब इसको उबाल लूँगी और तब मैं इसको छोंक लगाऊँगी। जी हाँ, और कुछ मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी आवाज़ में कोई दिक्कत है क्या जो आप इस तरह से बोलती हो, तो उस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। एक उबासी लेती रहती हूँ, दरअसल मैं ना बीच में जैसे रुक जाती हूँ तो कुछ लोगों को लगता है कि उबासी ले रही है, उबासी नहीं जैसे हम लोग के बोलते हैं तो इस वजह से कुछ लोगों को ये लगता है कि ऐसा करती है, नींद में रहती हो क्या। नींद में नहीं रहती हूँ डियर, कुछ मेरी है ना आगे से जीभ भी आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मेरे को बोलने में। और मेरे को है ना फुल टाइम बोलते हैं ना फुल टाइम है ना रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए नहीं मिलता, और बहुत कम मेरे को टाइम मिलता है अच्छे से वॉइस ओवर करने का, तो इस वजह से आपको लगता है कि मैं जल्दी में वॉइस ओवर करती हूँ। बात आपकी सही है, तो अभी के लिए फ़िलहाल सॉरी। और यहाँ मैं दूध रख रही थी पकने के लिए, एक दो कमेंट्स मुझे आए थे कि दीदी दूध जो है ना छान के रखा करो, तो आज ही वीडियो मैं शूट कर चुकी थी तो इस वजह से आज के लिए सॉरी। तो आगे से मैं दूध है ना छान के रखा करूँगी। जब मैंने ये वीडियो शूट कर ली थी तो तब मेरे को मैंने बाद में कमेंट्स पढ़े, वैसे आपकी बात सही है और मुझे बुरी भी नहीं लगी, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। फ़िलहाल मैंने दूध है ना पतीली में डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। और ये गैस का जो स्टैंड है वो मैंने धुला था, ये ना गैस को ना अगर कितनी भी धीमी करके रखो इसमें दूध या चाय निकल जाती है, तो यहीं पर खड़े होकर है ना दूध या चाय को पकाना पड़ता है। और यहाँ मैं मीठे कद्दू में मैंने नमक डाल दिया था, बस खालिस नमक डालकर मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है। एक गैस पर दूध बन जाएगा। पूरा किचन बताइए देखकर कैसा लग रहा है, वैसे तो बिल्कुल मैंने साफ़ कर रखा है, कहीं कुछ नहीं फैल रहा, फिर भी जो लोग बोल रहे हैं कि इतनी सफाई नहीं होगी या मतलब तेरे बस की नहीं है करना, एक कमेंट आ रहा कमर देखो इसकी झाड़ू लगाना। अरे अगर मैंने बोला ना, मैं बस फ़िलहाल वैसे ही झाड़ू लगा रही थी थोड़ा ठीक ठाक सा हो जाए, बाद में मैंने फिर दोबारा से सारे घर की डस्टिंग करनी है, दोबारा झाड़ू पोछा करना है, एक एक चीज़ साफ़ करनी है। तो एक जब आदमी 4-5 दिन से मतलब अच्छे से भाई घर में पोछा झाड़ू ना लगी हो या झाड़ू ना लगी हो, या फिर मतलब जेंट्स पर होते हैं क्या ये काम, अगर काम रुक रहा है या भैया कोर्ट भी जाते हैं भाई खाना पीना सारा घर में बुरा हाल हो रहा, तो एक मिनट में तो सारा साफ़ नहीं हो जाएगा। मैडम जी जो आप मेरे को कमेंट कर रहे हो, जो भी कोई है मैडम जी हैं वो या सर जी है, मैंने नाम तो उनका देखा नहीं है, तो आप है ना ऐसा बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। अरे एक मिनट में तो आके आदमी सारी चीज़ें नहीं सिंगवा देगा या एक मिनट में सारे काम कर देगा, हर काम को करने में टाइम लगेगा। अभी आई हूँ लगी हूँ काम में तो धीरे धीरे तो संभाल लूँगी। अभी ये नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिए, अभी जो आने वाली व्लॉग है ना उसमें आप लोगों को दिख जाएगा मैंने घर में कैसा कर रखा है, कैसा नहीं, कितना गंदा है कितना साफ़ है। और अभी फ़िलहाल ना मीठा कद्दू बनने में टाइम था, तो सुबह जो है ना पाकी स्कूल गई थी तो मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। हाँ जी हाँ, सूखे आलू और टमाटर बनाए थे, तो अंकल जी जो है वो बोल रहे कि भाई मीठा कद्दू बनने में टाइम लगेगा, सुबह नाश्ता भी किया था, अभी करीबन 1:30 बजे हैं, तो वो बोले कि मैं मीठा कद्दू नहीं खाऊंगा बेटा फ़िलहाल, अभी टाइम लग जाएगा बनने में, मुझे भूख लग रही है तो मेरे लिए एक दो रोटी बना दो। तो मैं बता दूँ आप लोगों से, तो कुछ मैंने आटा रख दिया था ना उठा के बचा हुआ, तो फिर अंकल जी के लिए मैंने रोटी बना दी और उन्होंने खा ली, और वे बोले कि मैं तो बेटा खाली में और रोटी नहीं खाऊंगा, उनको आलू टमाटर की सूखी सब्ज़ी के अलावा मतलब मैंने रोटी दे दी, दूध दे दिया, उन्होंने खा ली। और यहाँ भी मैं मीठा कद्दू छोंकने की तैयारी कर रही हूँ, बीच बीच में भाभी से पूछा कि उनको कुछ खाना पीना हो तो बताइए मैं बना देती हूँ, उन्होंने बोला नहीं बस एक सेव दे दीजिए, मेरा अभी रोटी खाने का मन नहीं है, सुबह नाश्ता किया था। मैंने कहा ठीक है चलो आप बता देना अगर भूख लगे तो आपको, यहाँ पर मैं भी सेव खा रही थी और साथ के साथ अपना जो है ना काम कर रही थी, मीठा कद्दू देख रही थी मैं बन गया क्या, बस उसको अभी उतार लेते हैं और उसको फिर मैं तड़का लगाऊंगी। टमाटर मैंने काट दिए हैं
हो सके तो खूब सारा प्यार और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और मैं ना अपनी अभी मुझे कुछ कमेंट्स ये भी आए, बहुत अच्छा लगा कि अच्छा किया प्रिया जी की, प्रिया दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ आए उनकी हेल्प के लिए, दुख में ही आदमी देखा जाता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत सहमत हूँ मैं आपकी बात से। अरे हंसी खुशी में तो हम हर रोज़ आ जाएं और दुख में ना आए तो फिर हमारा क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा नंद भाभी का या क्या फ़ायदा इन रिश्ते नातों का। अगर हम खुशी में तो हम रोज़ हम लोग अपनी मर्ज़ी से जब मन किया चले आए, और आज तकलीफ है, आज हम बोल दें कि हमको काम है हम नहीं आ सकते, तो नहीं, दुख में ही आदमी को देखा जाता है। तो उनकी तबीयत जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो फिर मेरे को तो आना था क्योंकि भाई मेरी भाभी है, आज मम्मी पापा है, कल वो लोग जब नहीं रहेंगे तो फिर कौन है मेरा, मेरे भैया भाभी वही तो मेरे हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। और अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों से बात करी थी, मैंने मीठा कद्दू जो है ना उबाल लिया, अब मैं इसको लगाऊंगी तड़का। तो पीछे से ना थोड़ा शोर आ रहा था, मिर्च दो मैंने इसमें पहले काट के डाल दी थी और नहीं डालूंगी। तो हींग देखते हैं, हींग कहाँ है, मेरा हींग और मसालेदार मियरी, इसमें जो नहीं है मसाला वो डाल देते हैं। भाभी जी इसमें तेल ना इसमें, हाँ जी। तो अभी यहाँ पर मैं ना कढ़ाई में तेल डाल दूँगी थोड़ा सा, और तेल गर्म हो जाएगा, मीठा कद्दू उबल गया था, टमाटर मैंने काट लिए थे, मेथी यहाँ पर मैंने ला के रख लिए, और बस फटाफट से ना मीठे कद्दू में लगा देते हैं तड़का। और पाखी का भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, बस थोड़ी देर में पाखी भी आ जाएगी, भैया तो शाम तक ही आएंगे, नहीं खाना खा लेंगे। और बस मैं ऑयल गर्म होने का इंतज़ार कर रही थी, बस जैसे ही ऑयल गर्म होगा मीठे कद्दू में तड़का लगा दें। मेथी डाल दी थी, जीरा डाल दिया था, थोड़ा सा हींग डाल दिया था, तीनों चीज़ जो है अच्छे से चटकने स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने इसमें धनिया डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, पहले ही मैंने इसमें दो हरी मिर्च है ना काट के डाल रखी थी। इसको छौंक को अच्छे से पका लेते हैं, जी हाँ। और ये मीठा कद्दू मैंने इसमें जैसे ही पक गया टमाटर डाल दिए थे, टमाटर थोड़े से पक चुके थे, उसके बाद मैंने मीठा कद्दू डाल दिया है। मीठा कद्दू डालने के बाद में हम थोड़े खट्टे के तौर पर मैंने टमाटर डाले थे, थोड़ा सा चार भी डाल सकते हैं, और चीनी भी डालूंगी, तो नमकीन मीठा कद्दू भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये ना मीठे वाला ही बनाया, चीनी डालूंगी मैं इसमें अभी थोड़ी सी, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और बहुत अच्छे से मीठा कद्दू बनकर तैयार हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। अभी यहाँ पर जो है ना मैंने मीठा कद्दू जो है वो छोंक दिया था, दूध पक चुका था, ये चीनी का डब्बा रखा हुआ था, इसमें थोड़ी सी चीनी निकालनी है, तो इसको उठा रही थी मैं, और ये कुकर उठाया, तेल का डब्बा लाई थी, मैंने भाभी से पूछा था कि भाभी तेल जो है ना इसमें ख़त्म हो गया है, कहाँ रखा हुआ है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि अंदर है ना डब्बा रखा हुआ है तेल का, वहाँ से आप निकाल लाओ। तो ये डब्बा मैं लाई थी, तो थोड़ा सा मैंने ना जो तेल का जो मग है, मतलब हम लोग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप लोग, तेल का
क्या बोलते हैं उसको, उसमें मैंने इसको तेल को थोड़ा सा गाल दिया था, मैं भूल जाती हूँ नाम, आप लोग भी बता देना। हम लोग डब्बे में भी कर लेते हैं, डब्बा भी बोल देते हैं, पर ये डब्बा नहीं है, तेल का मग जग जो भी है मतलब उसमें कर लिया मैंने, और बाकी का मेरे को अंदर उठा के रखाना है। और ये इधर बस रोटी, अब रोटी बनाने की तैयारी करनी है दोबारा से, बस अंकल जी को दे दी थी। और बाकी भी आ गई, फिर मैं काट रही थी खीरे भाभी के लिए, मैंने कहा खीरे काट देती हूँ और बस फिर उनको रोटी दे दूँगी और गोपाल जी को भोग लगा देंगे। लहसुन प्याज तो मैंने इसमें डाला ही नहीं है, बस ये आटा मैंने बना के रख रखा था, बस मेरे को है ना थोड़ा ठीक करके रोटी सेकनी स्टार्ट करनी थी, थोड़ी सी जगह बनाई और रोटी सेकनी स्टार्ट कर दी। फटाफट से है ना भाभी को रोटी दे देती हूँ, फिर पाखी खा लेगी, अवनी खा लेगी, सारे बच्चे खा लेंगे। कायरव का तो आप लोगों को पता ही है, वो तो एक आधा टुकड़ा खाएगा बस मुश्किल से। तो भाभी के लिए मैं रोटी सेक रही थी, तो बोल रही थी कि थोड़ी है ना नरम रोटी मत लाना दी, थोड़ी है ना रोटी कैडी करके लाओ, उनको कैडी रोटी खाने का मन था, नरम रोटी के लिए मना कर रही थी। जी हाँ, अभी भाभी को रोटी देने जा रही हूँ। तो आज मैंने बोला था वीडियो में भाभी के घर, तो बहुत सारे कमेंट आए कि भाभी का नहीं भैया का घर। तो देखिए भैया और भाभी दोनों का ही घर है, भैया का भाभी का दोनों का ही है मेरे लिए। तो भाभी का बोल दो जब इनका, भैया का बोल दो जब इनका। टैक्स लगा दूंगा। ले गिरी, आजा, हटा इस जगह से, तेरे की मुझे। अरे आजा उस्ताद। हाँ, आठ उठा दे, आठ उठा तुम। हाँ, पेट फोड़ देगा तो इसका। हाँ, अच्छा तो हम चलते हैं। संकल लगा, मनु तो कहनी फिर कम मिलोगे, नु गए संकल लगा दियो। नु कहते फिर कम मिलोगे, अभी मिलोगे संकल लगा के। बंद करके जाओ, हैं हम जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ घूमने जा रहे बच्चा पार्टी? अवनी वे वाली चप्पल पहन, लाल वाली, लाल वाली पैर। हाँ ला, ये मुझे दे, काले वाली का देखियो, देखियो बुआ जी के बालों में लगा ले, लाओ मेरे बालों में चिमटी लगा दो तुम। मैं कहीं, मैं तो नहीं काट लूंगा, मैं कहीं चिमटे चमटे लगा के जाली का। भाभी मैंने वैसे बैठ रखा, कुंडी लगा के जारी बाहर की, कितने जोर की हवा लग रही है यहाँ गली में। पता नहीं कह रहा हूँ सैंडल पहन रहा के नहीं। कह रहा हूँ कहाँ अंकल, कह रहा हूँ मैं जा रही हूँ अपनी ताई जी के घर, मैं ताई के घर जा रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए। नाली है कि नाली में गिर जाएगा, देखो लारी बेटा इसकी खातर ले, भाई खातर देखो लाई। हट जा, चल